दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड लेने के लिए एक और प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं, जहां से कि आप अनलिमिटेड एक्टिव डैशबोर्ड यहां पे करा सकते हैं और सिर्फ 25 से 30 मिनट में आपको यहां पे अप्रूवल मिल जाते हैं, यानी कि आपका डैशबोर्ड यहां पे एक्टिव हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको यहां पे कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पेंटिक के बारे में बताया था, लेकिन पेंटिक का जब वहां पे मेथड फेल हो गया था तो मैंने सेकंड वाला मेथड आपको बताया था। इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हो, और इसके अलावा भी मैं काफी प्लेटफॉर्म आपको यहां पे बता चुका हूं, जिनमें से कुछ प्लेटफॉर्म अभी तक यहां पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वहां से किसी कारण से आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, आपका एडसेंस का डैशबोर्ड वहां पे एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा इसको जल्दी से ट्राई कीजिए। अभी ये 100% वर्किंग है, यहां से आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं, यानी कि जितने चाहे उतने एडसेंस के एक्टिव डैशबोर्ड यहां से आप करा सकते हैं और उन्हें मार्केट में सेल करके उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आपको यहां पे अप्लाई करना है और किस तरह से 25 से 30 मिनट में आपको एडसेंस का एक्टिव डैशबोर्ड लेना है। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म ही दिखा देता हूं। प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों यहां पे blockgang.com, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए blockgang.com। इस वेबसाइट पर आपको आना, गूगल पे सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगी। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको कोई अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे ना आपको रजिस्टर करना है, ना लॉगिंग करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने एडसेंस में आना है। अब एडसेंस में आने के बाद सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे एडसेंस क्रिएट कर लेना है और आपको अपने मोबाइल नंबर वगैरह से वेरीफाई करके और अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे एक्टिव कर लेना है, यानी कि ग्रीन टिक उस पे आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने साइट वाले सेक्शन में आना है, एड न्यू साइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया उसके यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन इसी तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर आपको ब्लॉग गैंग के जस्ट पहले कुछ अपना एक यूजर नेम बना लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग, चलिए मैं ब्लॉगिंग एस कर देता हूँ, यानी कि ब्लॉगिंग सपोर्ट, और इसके बाद आपको डॉट लगा देना। तो इस तरह से आप अपना भी कुछ भी एक यूजर नेम यानी कि सब डोमेन टाइप आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और बाकी यूआरएल आपको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ से आपको इसको सेव करना है। जैसे आप इस पे सेव करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको पता है कि इस तरह का आ जाता है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है, नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सब डोमेन जो हमने क्रिएट किया था blockgang.com पर वो यहाँ पे रिव्यू में जा चुका है। अब इसके बाद में आपको 25 से 30 मिनट वेट करना है। दोस्तों 25 से 30 मिनट में आपका डैशबोर्ड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप मल्टीपल एक्टिव डैशबोर्ड चाहते हैं तो एक ही आईपी का यूज न करें। आप जैसे कि गो लॉगिन वगैरह या फिर एड्स पावर वगैरह कोई भी ब्राउजर वगैरह का यूज करें, उसमें प्रॉक्सी ऐड करें और अलग अलग लोकेशन की प्रॉक्सी लगाकर अलग अलग ब्राउजर से उसको वहां पे आप एक्सेस करें, अलग अलग एडसेंस क्रिएट करें और तब आप यहाँ पे मल्टीपल एक्टिव डैशबोर्ड ले सकते हैं। अगर एक ही ब्राउजर से एक ही आईपी से आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल ही ग्रीन नहीं होगा, एक्टिव डैशबोर्ड तो दूर की बात है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मेथड अभी बिल्कुल वर्किंग है, आप यहाँ से जितने भी चाहे उतने एक्टिव डैशबोर्ड अपने एडसेंस के यहाँ पे करा सकते हैं, उन्हें मार्केट में सेल करके उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।